टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपने शॉर्ट्स में देखा, आज की वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट डॉग ओनरशिप। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो और आपने पहले नोटिस किया है कि मेरे पास एक डॉग है, कैजो उसका नाम है। तो जब मैंने डॉग लिया, बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, फैमिली फ्रेंड्स की, क्या मुश्किल नहीं होता, डॉग ओनरशिप कैसी है। बहुत सारे लोगों ने बोला, यार दिल तो मेरा भी करता है बट आई थिंक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि आज, क्योंकि कैजो को ओन करते हुए हमें हो गया ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, तो मैं एक वीडियो बनाती हूँ थ्रू आउट माई जर्नी टू डिस्कस कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा रिगार्डिंग डॉग ओनरशिप, क्या क्या हिकअप्स आए, क्या क्या चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर आप सोचते हो कि आप फ्यूचर में एक डॉग लेना चाहते हो, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अगर आपके पास इंडिया में ऑलरेडी डॉग था, तो कैनेडा में डॉग ओनरशिप काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो बात करते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा अगर आप सोच रहे हो कि आपने डॉग लेना है। सो पहली बात तो यह है कि आपको डिसाइड करना है कि आपने जो डॉग है कोई पर्टिकुलर ब्रीड का लेना है। अगर तो आपने किसी पर्टिकुलर ब्रीड का लेना है, तो डेफिनेटली आपको ब्रीडर से लेना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट अ डॉग। सो आप क्या कर सकते हो कि अडॉप्शन सेंटर्स होते हैं पेट्स के, अगर आपको ब्रीड का कोई चक्कर नहीं है, तो आप उन सेंटर्स पर जाओ। और अडॉप्शन की फ़ीस जनरली $600 to $800 होती है, और आप सारा पेपर वर्क करके डॉग अडॉप्ट कर सकते हो। मोस्टली ये डॉग्स हैं जो कई बार कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स के होते हैं या फिर मिक्स ब्रीड के हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ब्रीडर से लेना है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा डॉग चाहिए, एंड यू कैन देन गो एंड गेट द डॉग। बट जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट ब्रीड्स के डिफरेंट होते हैं, बट ऑन एन एवरेज आई वुड से अराउंड $1,200 to $3,000 तक का आपको डॉग मिलेगा। तो अब बात करते हैं वेटनरी एक्सपेंसेस की। तो ऑफकोर्स जब भी आप डॉग लेते हो, तो आपको डॉग के क्लिनिक जाना होता है उसकी कुछ वैक्सीनेशंस करवाने के लिए। कुछ एनुअल वैक्सीनेशंस होती हैं, डॉग का एनुअल एग्ज़ाम होता है, या फिर कई बार आपको इमरजेंसी विजिट्स भी करनी पड़ सकती हैं। तो मैं आपको एवरेज दे देती हूँ कि कितना खर्चा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने डॉग की एनुअल वैक्सीनेशंस के लिए जाना है, जिसमें रेबीज़ और कुछ और वैक्सीनेशंस कवर्ड होती हैं, तो उसका जब भी हम कैजो को लेके जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली $350 to $400 जो है खर्चा आ जाता है, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन, हिज एनुअल चेकअप, एंड देन ऑफकोर्स अगर कोई भी इसकी डीवॉर्मिंग वगैरह की मेडिकेशन होती हैं तो। और इमरजेंसी विजिट ऐसे होती हैं, जैसे कि अगर उसका डॉग का कभी पेट ख़राब हो गया या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो गई, आपको इमरजेंसी में जाना पड़े, अगेन डॉक्टर का खर्चा जो कि होता है अराउंड $150 प्लस जो भी मेड्स हैं, तो अराउंड $300 तो हर बार लग ही जाते हैं। देन फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अगर आप पेट ले रहे हैं, तो आप पेट इंश्योरेंस ज़रूर लें। तो पेट इंश्योरेंस का ऐसे होता है, मंथली एक्सपेंस होता है, आपने मंथली इंश्योरेंस पे करनी है। अगेन इट डिफर्स ऑन द ब्रीड ऑफ द डॉग की इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी होगी। इट इज़ मोस्टली अराउंड $50 to $150, बट डिपेंड्स ऑन द ब्रीड, एज ऑफ योर डॉग, आप कब करवा रहे हैं, एंड देन द एरिया यू आर लिविंग इन। सो ये है मोटा मोटा खर्चा जो उसकी हेल्थ एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं कैजो के खाने की, कैजो आखिर खाता क्या है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन यू। कई लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो घर पे फ्रेश खाना दें डॉग को, बट हमें जो वेट ने रिकमेंड किया वो ये था कि जो इनका ड्राई फूड आता है, एक पर्टिकुलर ब्रांड का उन्होंने रिकमेंड किया कि वो आप इनको दो। रीज़न बीइंग कि जो ड्राई फूड होता है, उसमें सारी न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, इक्वल क्वांटिटीज़ में इंपॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनसे डॉग की हेल्थ जो है मेंटेन रहती है, ओवरवेट नहीं होते, इनकी शेडिंग नहीं होती। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर घर पर उस चीज़ का ध्यान नहीं रख पा रहे, तो आप ड्राई फूड दे लें। तो इसको हम देते हैं प्यूरिना प्रो प्लान, और अब ये एडल्ट है, तो इसका एडल्ट वाला एक पैक आता है 34 LBs का, जो कि 2 से 3 महीने चल जाता है, जिसकी कॉस्ट है $100। तो वो 2 से 3 महीने चल जाता है। उसके अलावा डॉग की ट्रीट्स, जो कि कभी भी आप वॉक पे जाएँ, डॉग को ट्रेन करना है, तो उनकी ट्रीट्स भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रीट्स में भी वेट ये रिकमेंड करते हैं कि आप सिंगल इंग्रेडिएंट ट्रीट्स दें, तो उसका खर्चा भी मैं कहूँगी अराउंड $25 to $40 or $50 पर मंथ ऑन एन एवरेज आ जाता है। उसके अलावा देखो, फूड पैम्परिंग वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डॉग को जितना करो उतना ही कम है। तो इसके
टॉयज़ या फिर कोई भी और ऐसी चीज़ें, बॉल्स जिससे ये खेलता है, उस सब का खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट वो भी एडिशनल है। तो अब बात करते हैं डॉग ओनरशिप की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये मोस्टली बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुश्किल तो नहीं होता, कैसे मैनेज करते हो। तो ऑफ कोर्स जब आपके पास एक डॉग होता है तो जैसे आपकी रूटीन होती है उसकी भी रूटीन होती है। डॉग इंडिपेंडेंट नहीं होते तो आपको उनकी रूटीन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कैजो की भी एक रूटीन है, एवरी डे उसको वॉक्स पे लेके जाना, सुबह उठने का टाइम होता है, देन उनको खाना देना, उनको वॉक पे ले जाना एक बारी सुबह एक बारी शाम को। उसके अलावा इन रूटीन वीकली इनकी ग्रूमिंग करवाना या फिर खुद करना, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कैजो को नहला घर पे देते हैं, बट इसकी ग्रूमिंग के लिए, हेयर कट नेल्स कट वगैरह के लिए टाइम टू टाइम एवरी 3 to 4 months बाहर भी ले जाना पड़ता है। सो दैट इज़ एन एडिशनल एक्सपेंस और उसका ध्यान रखना पड़ता है आपको इसकी रूटीन का। तो क्योंकि हमारे केस में ऐसे था कि हम वर्क फ्रॉम होम करते थे तो इसकी रूटीन का ध्यान तो हम इजीली रख लेते थे। और उसके बाद बात आती है कि अगर आपको कहीं घर से बाहर जाना है तो उसमें ये है कि अगर तो आपका डॉग जो है एडल्ट हो गया है या फिर अराउंड 6 to 8 months का हो गया है, फिर आप अगर कुछ टाइम के लिए फॉर एग्जांपल शॉपिंग जा रहे हैं या फिर मार्केट जा रहे हैं और आपको 4 से 5 घंटे लगने हैं, तो कैजो आराम से घर पे रह लेता है, कोई भी डॉग रह लेगा। आपको बस ये ध्यान देना है कि आप कितनी देर के लिए जा रहे हैं, इसका खाना और पानी डाल के जाएँ और ये आराम से रह लेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमें कभी भी कोई ऐसे ट्रिप्स प्लान करने होते हैं जिसमें हम 2 या 3 दिन के लिए या फिर ओवरनाइट बाहर स्टे कर रहे हैं तो फिर हमें देखना पड़ता है कि कैजो कैसे रहेगा। तो कई बार आपको इन एडवांस इसका डे केयर अरेंज करना पड़ेगा जहाँ पे, या फिर पेट हॉस्टल होता है यहाँ पे जहाँ पे जो है डॉग स्टे कर सकते हैं और उनका भी कोई पर नाइट खर्चा होता है। आई थिंक विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $70 to $100 के बीच में हो सकता है वो, आप डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। और लेकिन काफ़ी बारी अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो डॉग लवर्स हैं या जिनके पास ऑलरेडी डॉग हैं और वो उस पर्टिकुलर टाइम पे कहीं नहीं जा रहे और यू थिंक कि यू ट्रस्ट देम विद योर डॉग, तो आप उनके पास भी अपने डॉग को रख के जा सकते हैं। तो मेरे पास पर्सनली इंडिया में भी डॉग था तो मैंने काफ़ी डिफरेंस नोटिस किया ओनिंग अ डॉग इन कैनेडा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में जब भी हम डॉग्स रखते हैं मोस्टली क्या होता है, लोगों के घर पे डॉग्स एज गार्ड डॉग्स रखे जाते हैं, वो घर के बाहर वरांडा में या फिर लॉन में रहते हैं जस्ट टू टेक केयर ऑफ द हाउस, या फिर कई बार अंदर भी होते हैं। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैमिलीज, बट यहाँ पे जो है आपका डॉग हमेशा आपके साथ घर के अंदर ही रहता है। एंड देन दूसरी बात यह है कि डॉग ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से डॉग ट्रेन नहीं कर पाएंगे देन इट इज़ एडवाइज कि आप कोई मतलब नॉर्मल सा डॉग लें, डेंजरस डॉग बिल्कुल ना लें। अगर आपको बड़े और डेंजरस डॉग्स का शौक है देन उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फिर डॉग्स को लेके, डॉग ओनरशिप को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं और बहुत ज़्यादा उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपके डॉग वेल ट्रेन नहीं है। तो ये चीज़ को भी कंसिडर करना है वाइल यू आर चूजिंग द ब्रीड ऑफ योर डॉग। फाइनली टू सम अप मैं यही कहना चाहती हूँ कि डॉग ओनरशिप इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, लेकिन जब भी आप डॉग ओनरशिप के बारे में सोचें आप डेफिनेटली ध्यान रखें अपनी रूटीन अपने स्केड्यूल के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं और आप डॉग की रूटीन का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप डॉग ना लें। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं उनके पास डॉग्स हैं आप उनके घर जाएँ उनके डॉग्स के साथ खेलें और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज़ जो डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लव ध्यान अफेक्शन सब कुछ डिमांड करते हैं। तो आपके डॉग की हेल्दी लाइफ के लिए, आपके डॉग की हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनके साथ स्पेंड करें और उनकी सारी नीड्स का ध्यान रखें। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे इन टूडेज़ वीडियो। इफ़ यू थिंक इट वॉज़ हेल्पफुल टू यू तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें डॉग ओनरशिप का शौक है उनके साथ शेयर करें, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय गाइस।